हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपावन एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सिक्स डेसिमल्स पेज नंबर 177 का एक्सरसाइज 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थ्री का हमने ए बी सी ऑलमोस्ट डन कर लिया था। आई होप्स आपको वो थ्री के तीनों पार्ट्स अच्छे समझ में आए होंगे। अब रह गए दो पार्ट डी और ई, वो हम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल देखते क्या था। सवाल तो पता ही था कि हमें सेंटीमीटर में डेसिमल्स फॉर्म में करना था, सेंटीमीटर में चेंज करके करना था। तो अब वही सवाल को हमें फिर से करना है। हमने वन टू और थ्री का हमने तीन पार्ट ऑलमोस्ट कर लिया था, वो तीनों आपको समझ में आ गया हो। जिसे नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ दे कोई भी डाउट हो। और वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और मैंने लिंक भी डाल रखे हैं, आप लिंक को टच करके भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का डी और ई पार्ट। एक्सप्रेस एज अ सेंटीमीटर यूजिंग अ डेसिमल, क्या है डी नंबर में 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो चलिए 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब हमें पता ही है कि सेंटीमीटर करना है, सेंटीमीटर तो दे रखा है, इसलिए हमें इसे जैसे के तैसे लिख देना है। आगे हमें 8 mm को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ऐसे करने पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम करते हैं कि अगर 8 mm दिया है तो 1 mm बराबर क्या होगा, कितना सेंटीमीटर, 1/10 cm। तो 8 mm बराबर 8/10 cm, तो इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम 0.8 लिख सकते हैं। तो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे ऐड क्यों लगाया था, अब देखिए दिखाती हूँ। 9 है, 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर, हमने इन दोनों को अब ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, 9 पॉइंट इधर 0 होगा, क्योंकि हमारा जो ये इधर का पार्ट है ये 0 जो है इधर आएगा डेसिमल से पहले, फिर यहाँ पे, और ये 8 हमारा यहाँ पे आएगा। दो का जरूरत नहीं, एक ही संख्या, इसलिए 8.9। यानी कि अगर 9 सेंटीमीटर और 8 mm को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब ई नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 93 mm, सिर्फ mm है यानी मिलीमीटर पूछ रहा है, तो चलिए सेंटीमीटर में से हम एक्सचेंज कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर पूछे, उसे ऊपर देखिए कि क्या एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया। अगर जो चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है वही चीज़ अगर दे रहा है तो उसे आपको साइड रखना है, और जो दूसरा है उसे हमें उस फॉर्म में चेंज करना है। ओके, जैसे कि अभी हमने डी नंबर सवाल किया था, ठीक है। चलिए ई नंबर करते हैं। ये तो अलग पूछ रहा है, सेंटीमीटर हमें चेंज करना है। तो अगर मान लीजिए 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 cm होता है, तो 93 मिलीमीटर बराबर 93/10 cm होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9.3। ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि एक संख्या, एक जीरो नीचे नहीं है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही, हम बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर नीचे एक संख्या वाला, एक संख्या 0, 1 है, तो हमको एक संख्या के बाद पॉइंट लगा। अगर 2 होता नीचे 0, तो हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाते, लेकिन 1 0, इसलिए हम एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 93 mm को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो चुका है। सो आई होप सो आपको भी सवाल 1 से लेकर 3 तक अच्छे समझ में आए होंगे, जो जो जिन्होंने फॉलो किया है। और अगर सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करिए। तब तक के मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।